ब्रॉट टू यू बाय वी गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन। उत्तर मुंबई महायुतीचे उमेदवार पीयूष गोयल आज अर्ज भरणार आहेत आणि त्यांना समर्थन करण्यासाठी माजी राज्यपाल राम नाईकजी सध्या इथे आले आहेत। राम नाईकजी काय सांगणार आज पीयूष गोयल अर्ज भरणार आहेत? पीयूष गोयल उत्तर मुंबईच्या खासदार पदासाठी आज अर्ज भरणार आहेत आणि त्यांना निरोप देण्यासाठी या ठिकाणी सगळे नागरिक कार्यकर्ते जमलेले आहेत। उत्तर मुंबईचं मुंबईच्या राजकारणात एक वैशिष्ट्य आहे आणि ते वैशिष्ट्य तुम्हाला आत्तासुद्धा अनुभवाला येत असं की अजून उत्तर मुंबईमधून पीयूष गोयल यांना विरोधी उमेदवार को त्याचं नावच येत नाही आहे। महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त मतं मला मिळाली होती, माझ्यानंतर दोनदा गणेश गोपा शेट्टी को मिली थी और अभी और एक नया विक्रम यहाँ से करने के लिए पीयूष गोयल आए हैं। उनका ज्ञान, उनका काम, ये सबको अच्छा लग रहा है, इस प्रकार का है और मुझे विश्वास है कि उनकी कोशिश, उनका ज्ञान राज्यसभा के नेता के काम उन्होंने किया है और इसलिए संसदीय कामों में भी वो एक वरिष्ठ बन गए हैं। लेकिन मेरे लिए तो उनको, मैं वो 6 साल के थे तब से पहचानता हूँ। संयोग ऐसा था कि उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल ये मुंबई के अध्यक्ष भी थे और केंद्र में कोषाध्यक्ष भी थे पार्टी के। उनकी माँ कांताबेन वो भी माटुंगा जैसे मुश्किल क्षेत्र से 3 बार विधायक करके चुनकर आई है और इसलिए एक स्वाभाविक इस प्रकार का संसदीय ज्ञान पीयूष जी को मिला है और अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्र ने इस काम के लिए पीयूष जी को उत्तर मुंबई में उम्मीदवार करके भेजा है। जैसे आपने कहा कि आप महाराष्ट्र में नंबर वन थे, उसके बाद गोपाल शेट्टी नंबर वन थे, पीयूष गोयल किस नंबर तक जाएंगे, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सबसे पहले रहेंगे क्योंकि मतदाता बोल रहे हैं और मतदाता का कितना समझना मैं मानता हूँ। कम से कम जहाँ तक उत्तर मुंबई का सवाल है, मेरे इतना कोई नहीं जानता है। यहाँ मैं खड़ा हूँ बोरीवली में, 78 में मैं यहाँ से विधायक बना, 3 बार विधायक था, 5 बार सांसद था। तो इस भूमिका में यहाँ जो वातावरण बन गया है और ख़ास करके कांग्रेस के पहले के जो उम्मीदवार रहे गोविंदा, वो भी कहाँ नहीं दिखाई देते हैं, उसके पहले के जो कांग्रेस के यहाँ चुनकर आए थे वह तो भी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर ही चले गए। तो एक दृष्टि से विपक्ष जो है वो विभाजित है और जहाँ तक हम लोग हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे जी की शिवसेना, क्योंकि लोगों को समझ में कभी कोई तकलीफ होती है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ हैं, पहले से ज़्यादा मतों से चुन कर आएंगे। गोविंदा भी अब शिंदे जी की शिवसेना ज्वाइन कर लिए हैं, स्टार प्रचारक बन गए हैं सर, क्या पीयूष जी के लिए आप और गोविंदा साथ में प्रचार करेंगे? गोविंदा यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। गोविंदा जी के मन में पहले चुनाव लड़ना था अभी, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया कि जैसा मैंने कहा कि वो 8 बार उन्होंने प्रेस को कहा है और कटिंग मैंने दिखाई कि वह फिर से राजनीति में नहीं आएंगे, तो उसके बाद उनका चुनाव लड़ने के बदले में चुनाव के प्रचार, अब कितना प्रचार वो कर रहे मालूम नहीं है। लेकिन कोई भी अच्छा संयोजक होगा तो राम नाईक और गोविंदा को एक मंच पर डिबेट के लिए नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो कोई जानते ही नहीं राष्ट्र के सामने कौन से विषय है, देश के सामने कौन से विषय है, क्या करना है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वही बात होगी।
उत्तर मुंबई से कांग्रेस ने अभी तक अपनी उम्मीदवार जाहिर नहीं किया है, तो वहीं उत्तर पश्चिम से भाजपा या शिवसेना की तरफ से भी अभी तक कोई उम्मीदवार का नाम नहीं आया है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उत्तर पश्चिम की जहाँ तक बात है उसमें वह सीट शिवसेना शिंदे जी के ग्रुप में दी गई है और इसलिए उनके उम्मीदवार घोषित करने की बात है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो नाम आज घोषित हो रहा है और वो फॉर्म कल भरेंगे। नाम तो अनाउंसमेंट जो उसकी करनी है वो शिंदे जी करेंगे, लेकिन मामला काम के दृष्टि से पूरा हो गया है। आप उसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई होने वाली है, धनुष से वाण वर्सेस मसाल की, क्या लगता है, धनुष से वाण भारी गिरने वाला है या फिर मसाल? ऐसा है कि जो विभाजन हो गया है वो हम कह सकते हैं कि शिवसेना में हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है अन्य जो साथ में है, और इसलिए मुंबई के सीटों में जो भी थोड़ा कुछ विभाजन हो गया होगा उसमें भाजपा को या शिवसेना के पुराने लोगों को, इस प्रकार का डिवीज़न है। मुझे लगता है बहुत अच्छा डिवीज़न हुआ है और उसके आधार पर मुझे याद आ रही है आपातकालीन स्थिति में जब मैं मुंबई का जनसंघ का संगठन मंत्री था 77 में 506 सीटें हमने जीती थी जनता पार्टी में और विधानसभा में 37 में से 33 जीती थी, तो इस प्रकार का वातावरण लोकसभा में होगा ऐसा मुझे लगता है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी में पुराने नेताओं को धीरे धीरे साइड किया जा रहा है, गोपाल शेट्टी का टिकट यहाँ से काटा गया, पूनम महाजन का टिकट काटा गया, इस पर क्या पता? नहीं नहीं, देखिए इसमें देखना तो ये चाहिए, अभी मैं भी था, मैंने इतने समय चुनाव लड़ा, इतने लोगों को सेवा दी, तो मैंने खुद होकर कहा कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने उस समय पर यह भी कहा था कि मैं जो भी उम्मीदवार होगा उसका इलेक्शन एजेंट करके मैं काम करूंगा। गोपाल जी कैंडिडेट बन गए तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट करके काम कर, दुनिया में आप कहाँ ऐसे नहीं देते। तो उत्तर मुंबई की बात एकदम अलग ही है, बाकी लोगों बाकी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे एकदम अलग है। उत्तर महाजन के बारे में नहीं, केंद्र ने निर्णय किया है और केंद्र का निर्णय सबको मंजूर होता है, वो अच्छा है या खराब है ये मेरे लिए कहना उचित नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय सबके लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि पीछे से आने वालों की भी भीड़ है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, पार्टी और बढ़नी है तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इस प्रकार से राजनीति में काम चलता है। वही भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में इसी प्रकार से काम कर रही है और इसलिए किसी ने ये कहा तो मुंबई में कौन उम्मीदवार है और काम कैसे किया है करेंगे इसके विश्वास पर, और आप देख लेंगे कि सारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मत उत्तर मुंबई से पीयूष जी को मिलेंगे। नमस्ते। कैमरामैन मनीषा गोविंद ठाकुर, TVN मराठी, मुंबई। ब्रॉट टू यू बाय वी गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन।